दोस्तों, एक गांव में टोनी चिड़िया जा रहे होते हैं चूड़िया बेचने के लिए। चूड़िया ले लो चूड़िया, अरे चूड़िया ले लो चूड़िया। जैसे ही जाता है यहाँ पर जंगल से और घर पे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दो छोटी और मोटी चिड़िया यहाँ पर वेट कर रहे होते चूड़िया लेकर। लेकिन जैसे ही चिड़िया बोलता है चूड़िया ले लो चूड़िया, टोनी चूड़िया ले लो चूड़िया, जैसे ही टोनी चिड़िया आता है चूड़िया लेकर नीचे रखने लगता है। कहता है ऐसा चिड़िया मैंने कभी नहीं देखा। अरे तुम कब देखोगी, देखो मेरे पास कितने अच्छे चूड़िया है। लेकिन मैं अभी चूड़िया मैं भी लेने वाला हूँ, मेरे पास कौन आएगा चूड़िया लेकर, आज छठी व्रत होने वाला है। जैसा ही यह चिड़िया कहता है तभी ने यहाँ पर इनकी बातें सुन लेता है। जैसे इनकी बातें सारे सुनता है तो यहाँ पर ये चिड़िया कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सारा चिड़िया का मेरे तरफ से ये वाले गिफ्ट मिलेगा, सारा चूड़िया मैं तुम सब ने बांट दूंगा। यही अपने मन में सोचने लगता है। जैसे ही सोचता है ये चिड़िया यहाँ पर टोनी चिड़िया यहाँ पर रख देता है। जैसे ही रखता है यहाँ पर बहुत सारे बेचने लगता है। कहता है ये लो चिड़िया ले लो चूड़िया, लेकिन चूड़िया ले लो चूड़िया। फिर यहाँ पर कहता है टोनी छोटी चूड़िया कहता है मुझे ऐसा चिड़िया बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही इसको सारा चिड़िया गहना पहन ले। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो चिड़िया बर्ड वाले कार्टून वीडियो बनाना? अभी आपने देखा वैसा ही कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हो। वीडियो को देखना आप लोग लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले तो क्या करना है, पहले तो यूट्यूब ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप लोग लिखना होगा बर्ड ग्रीन स्क्रीन, और जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा जैसे कि बर्ड BIRD, जैसे कि मैं लिख दूँगा BIRD बर्ड, यहाँ पर कार्टून ग्रीन स्क्रीन। जैसे मैं लिखता हूँ बर्ड कार्टून ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ जाएगा, आप जो भी चाहे वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड कर लूँगा। जैसे यहाँ पर देखते हो बहुत सारे आ रहा है, तो कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने तो ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पर देखते हो मैं जितना स्क्रॉल करता जाऊँगा उतना सारा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो हमको मिलता जाएगा। और यहाँ पर देखते हो बहुत सारे हैं, तो मैंने एक डाउनलोड किया इसमें से, और यहाँ पर देखते हो बहुत सारे हैं तो मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ, आप भी डाउनलोड कर दीजिएगा। कोई भी आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो समोसा बनाने वाला, लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया है वो हो गया है वो चूड़िया बाजार वाले मैंने डाउनलोड किया है। तो आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो डाउनलोड किया है वो मैं इस प्लेलिस्ट में से दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले किया था, यहाँ पर देखते हो ये वाले हैं, तो ये वाले मैंने डाउनलोड किया था। इस चैनल का नाम आप देख भी सकते हो, यहाँ पर देखते हो SD1 है टेक, यहाँ पर देखते हो ये वाला वीडियो है, तो ये वीडियो मैंने डाउनलोड किया था। इस वीडियो को अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करिएगा तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे इसमें करेक्टर वगैरह। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड तो कर लिया, अब मेरे को चाहिए बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के लिए मैं कोई भी यहाँ पर गूगल भी यूज कर सकता हूँ, क्रोम भी यूज कर सकता हूँ, इमेज भी सर्च यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ क्रोम पर एक बार। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एक बैकग्राउंड अच्छे वाला, ताकि ये जंगल में जाए और जंगल ही इसका घर है। तो यहाँ पर जंगल वाले भी ले सकते हो या फिर आप अदर भी ले सकते हो बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर जंगल बैकग्राउंड लिखते हैं, जंगल बैकग्राउंड यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर साथ में आप कार्टून भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे भी हमको बहुत अच्छा इमेज मिल चुका था, इमेज पर जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इमेज है, तो कोई भी एक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं तो ऑलरेडी मैंने किया है, तो चलिए मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ कैसे करता है। इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर देखते हो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने वाले ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखते हो ये भी इमेज अच्छा है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैंने तो ऑलरेडी किया है। अगर आपको भी नहीं किया तो आप भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो सच में बनाना तो वीडियो को इतना तक तो देख लिया, आपको क्या करना, अब सिंपल सा आपको कैंग मास्टर में आना होगा। चलिए कैंग मास्टर में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे बनाता है। तो सिंपल सा मैं कैंग मास्टर डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ।
जैसे ही हमने कैंग मास्टर ओपन किया था ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सीधा मतलब प्लस आइकन पर क्लिक करना, 16:9 डिजिट यूट्यूब का रेशियो होता है उसे सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी किया। यहाँ पर देखते बहुत सारे बैकग्राउंड, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेते एक, या फिर आप घर वाले भी कर सकते हो ताकि वो घर से निकल कर या और यहाँ पर चूड़िया बेचने चले जाए, वो भी आप ले सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जंगल वाले भी ले सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जंगल वाले लेकर आपको दिखा दिया। और सिंपल से यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, जितना मिनट का वीडियो है तो मेरा तो 2 मिनट का, तो 2 मिनट तक लिए यहाँ पर इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके ले लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पर देखते हो 2 मिनट का लेंथ ले लेते हैं। और यहाँ पर उस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी वीडियो मैंने ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड किया है वो बर्ड वाला है, तो यहाँ पर से उसे ले लेता हूँ। जैसे ही ऐसा यहाँ पर ले लूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख तो कुछ ऐसे से यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कट कर दूंगा यहाँ से कट करके, और इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल कर लूँगा ताकि यहाँ पर अच्छा दिखे। तो यहाँ पर देखते इतना आ रहा है, तो यहाँ पर 1:52:53 का है, तो यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं इस बैकग्राउंड को। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस चिड़िया वाले को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करके यहाँ पर इसे क्रोमा की यूज़ करते हैं और ये गायब हो जाएगा। जैसे क्रोमा की यूज़ किया गायब हो चुका है, और यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो अपने तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया। आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका साउंड कम कर देते हैं और इस पर वॉइस ओवर करेंगे, बहुत ही अच्छा बन जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस पर प्ले करते पहला, और यहाँ पर जा रहे हैं देख सकते हो, तो चूड़िया ले लो चूड़िया ऐसे करके आप बोल सकते हो, और इसमें वॉइस ओवर कर सकते हो यहाँ से। तो देख सकते हो वॉइस ओवर का ऑप्शन है, तो यहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा सारे डिटेल में। और यहाँ पर यह चिड़िया रानी आ जाता है, तो ये वाला चूड़ी लेने वाला रहता है ये चिड़िया रानी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते और ताकि ये पूरा अच्छे से विजिबल रहे, इतना कर लेते। इसको देखते हैं अब थोड़ा सा क्रोमा की यूज करके, और यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये इतना रहने देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कितना अच्छा चुका है, बन चुका है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो चले इसमें वॉइस ओवर करके आपको दिखाते हैं जैसे कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर चूड़िया ले लो चूड़िया, चूड़िया ले लो चूड़िया रानी, चूड़िया ले लो चूड़िया, ऐसे करके आप बोलते जाओगे। और एक आपको स्टोरी बनाना है, आपको पता है स्टोरी बनाओगे तो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टोरी बनाकर दिखाता हूँ ऐसे करके आपको बनाना है। चूड़िया ले लो चूड़िया, और यहाँ पर देख दो यहाँ पर चूड़िया ले लो चूड़िया करते 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 यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, दूसरा बैकग्राउंड एड कर सकते हो इसके जगह पर, यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ पर इस बैकग्राउंड को कट कर दीजिए जितना, यहाँ पर देख दो यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर कितना है 20 है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ पर लेकर हम 38, 40 तक लिखा। यहाँ पर इसे कट कर लेता हूँ, और दूसरा बैकग्राउंड इस जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरा बैकग्राउंड एक यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर से ले लेते हैं एक दूसरा बैकग्राउंड, ताकि आपको बैकग्राउंड चेंज करने भी दिक्कत ना हो। बैकग्राउंड अच्छे अच्छे आया तो यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो। चले मैं एक बैकग्राउंड और सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से बहुत सारे बैकग्राउंड तो हम यही ले लेते हैं यहाँ पर देख दो। चलिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो कोई एक ले लेता हूँ चूज़ करके। तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड है मेरे पास, तो हम ये ले लेते हैं। चलिए ये ले चुका है मैंने, तो यहाँ से देखते हो 20 से मैंने 40 किया था, तो 40 तक ले लेने देते हैं इसको, तब हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। 38, 40 हो चुका है। तो अब देखिए इधर लेंथ ठीक ठाक है, तो यहाँ से हो चुका है देखिए। अब यहाँ से ये प्ले होगा, हमने अभी वॉइस ओवर नहीं किया है, यहाँ से प्ले होता जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा ठाव आ जाएगा वॉइस चेंज से, तो इसको हम क्या करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ से आप लोग चूड़िया ले लो चूड़िया करते जा सकते हो जंगल की ओर, फिर ये गांव में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जाते जाते गांव में बेच कर यहाँ पर बेचने लगता है, फिर यहाँ पर दूसरी चूड़िया लेने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर से हम वॉइस ओवर करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसमें तो हम वॉइस ओवर कर दिया, लेकिन वॉइस ओवर करने के बाद प्ले करके देखता हूँ तो इसमें इतना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। पहले तो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, मैंने अभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया है। दोस्तों एक गांव में टोनी चिड़िया जा रहे होते हैं चूड़िया बेचने के लिए। चूड़िया ले लो चूड़िया, अरे चूड़िया ले लो चूड़िया। जैसे ही जाता है यहाँ पर जंगल से और घर पे जाने लगता है,
तो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर कर दिया है यहाँ पर, वॉइस पर क्लिक करके, और ऐसे किया है। एक गांव में एक टोनी चिड़िया रहता था, वो जा रहे होते हैं चूड़िया बेचने के लिए, चूड़िया ले लो चूड़िया, ऐसे करके मैंने वॉइस ओवर तो कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये वाले कर लेते हैं या फिर ये वाले, चलिए ये कर लेते हैं, ये वाले अच्छा लग रहा है, इसे मैं कर लेता हूँ ऐड। और सिंपल सा इसका साउंड थोड़ा सा हम 20-22 रख देते हैं ताकि अच्छा लगे सुनने में, यहाँ पर 25 रख देते हैं। आप प्ले करके देखते हैं। दोस्तों एक गांव में टोनी चिड़िया जा रहे होते हैं चूड़िया बेचने के लिए, चूड़िया ले लो चूड़िया, अरे चूड़िया ले लो चूड़िया। जैसे ही जाता है यहाँ पर जंगल से और घर पे जाने लगता है। तो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, तो आप इनसे भी अच्छा बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ। यहाँ पर देखते हो कितना अच्छा लग रहा है, और साथ में आप इनसे भी अच्छा बनाने के लिए सिंपल सा इसी को यूज कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर से इसे कट कर देते हैं ताकि यहाँ पर से ये बैकग्राउंड सट जाता है, तो इस बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ कट कर देता हूँ, और इसका कहानी भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने एक स्टोरी की तरह बनाया है, आप इनसे भी अच्छा बना सकते हो। साथ में टेक्स्ट वगैरह ये वगैरह ले सकते हो, आपको जो भी मर्जी है यहाँ से ले सकते हो, बहुत सारे हैं यहाँ पर इफेक्ट वगैरह। साथ में यहाँ पर एक टेक्स्ट ले सकते हो, यहाँ पर एक इमोजी वगैरह ले सकते हो, लाइट ले सकते हो, तो बहुत सारे हैं तो यहाँ से ले सकते हो। आपको मैंने सारे चीज़ बता दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने लगा दिया, और आप एक्सपोर्ट करने का बाकी है तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आप वॉइस चेंज करना चाहते हो तो वॉइस भी चेंज कर सकते हो, वो आपको नहीं बताते, यहाँ पर वॉइस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, यहाँ पर वॉइस पर क्लिक किया है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, इस पर चेंज कर सकते हो। देख सकते हो मैं चेंज कर रहा हूँ, देख सकते हो कितना वॉइस अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक गांव में टोनी चिड़िया जा रहे होते हैं चूड़िया बेचने के लिए, चूड़िया ले लो चूड़िया, अरे चूड़िया। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक गांव में टोनी चिड़िया जा रहे होते हैं। तो गाइस मैं नॉर्मल ही रखने देते हैं, एक गांव में तो अपना ही वॉइस रहने देते हैं, और सिंपल सा चेंज कर सकते हो अपनी तरीके से। तो सिंपल सा मैंने इतने तरीके से बना दिया चैनल का लोगो वगैरह, यहां पर एक स्टोरी भी लिख सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया सिंपल सा, सीधा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और यहां से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो बनाकर, बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो चलिए आपको मिलते किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।